क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन कानून दान मानता है? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुइज़ जमशेद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी, आप सब मेरी फैमिली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी है कि क्या अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन कानून दान मानता है। 1935 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तारीख के 18 बेहतरीन कानून दानों को खिराज तहसीन पेश किया। इस खिराज तहसीन पेश करने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम 18 शख्सियतों के अक्स अपनी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर कंधा किए। इस कोर्ट रूम की जो नॉर्थ वॉल है, यानी कि जो शुमाली दीवार है, उस दीवार पर एक अक्स कंधा है जिसमें एक शख्स को सीधे हाथ में तलवार और उल्टे हाथ में कुरान लिए हुए दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह अक्स अडोल्फ अलेक्जेंडर वाइनमैन नामी एक स्कल्प्टर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकराम और इज्जत देने के लिए बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इस अक्स की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी शख्सियत से कोई मुमासलत नहीं है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स बनाना इस्लाम में नाजायज है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इस अक्स में कुरान मजीद को खाने का असल मकसद ये था कि इस्लामी शरीयत के तमाम कानून की असल रूह जो है वो कुरान है। तो देखा आपने कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के 18 बेहतरीन कानूनदानों में से एक बेहतरीन और अफजल तरीन कानूनदान मानता है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की सूरह अल नशरा सूरत नंबर 94 की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, और ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। ये जिक्र का बुलंद ही तो करना है कि अमेरिका जैसी मुमलिकत जहाँ इस वक्त इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम दुश्मनी जंगल की आग की तेजी की तरह फैल रही है और मासूम मुसलमानों को अपनी तपिश से झुलसा रही है, उसी मुमलिकत के बानी असलाफ इस्लाम के बानी आकाए दो जहाँ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया का बेहतरीन कानूनदान मानते थे। इसी के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूं, जिंदगी में कितनी मुश्किलात क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सुन्नत भी है और सदका जारिया भी, एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज मी डॉक्टर मुइज़ जमशेद साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी।